आप लोग अपने मोबाइल फोन में कीबोर्ड से टाइपिंग करना जानते हैं या फिर व्हाट्सएप पर कीबोर्ड से मैसेज करना जानते हैं, अगर आपको नहीं पता है तो घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, क्योंकि आज के इस वीडियो में मैं आप लोग को एग्जैक्टली बताऊंगा मोबाइल में कीबोर्ड कैसे लगाएं और कीबोर्ड से टाइपिंग कैसे करते हैं, माउस से ब्राउजिंग कैसे करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि ये जो वायरलेस कीबोर्ड है यहाँ पर इसका जो है बटन दिया गया है ऑन ऑफ का, तो यहाँ से आपको जो है ऑफ होगा तो ऑन कर देना है। यहाँ पर देख लीजिए यहाँ पे ऑफ है तो हम इसको इधर करेंगे तो ये ऑन हो जाएगा। अब हमने इसको यहाँ पर रख दिया। अब ये हमारा जो माउस है लॉजिटेक का और इसको भी हमें यहाँ से ऑन करना है, हमने इसको ऑन कर दिया, दोनों ऑन हो चुका है। और ये है कनेक्टर, इसका इस्तेमाल करके हम बेसिकली अपने पीसी में लैपटॉप में किसी भी जगह पर इस कीबोर्ड को कनेक्ट कर सकते हैं, लेकिन हमें जो है इसमें फिलहाल अपने इस मोबाइल फोन में कनेक्ट करना है। तो मोबाइल फोन में यूएसबी टाइप सी होता है, यानी कि ये यूएसबी जो है इसमें नहीं लग पाएगा। इसके लिए हमारे पास जो है यहाँ पर एक कनेक्टर है, इस कनेक्टर में हम इसको लगाएंगे। बेसिकली ये आपको 50 से 100 या फिर 150 में मिल जाएगा, बहुत ही अच्छी क्वालिटी का, मैंने 50 रुपये का खरीदा था ये जो कनेक्टर है। अब इसको हम लगाएंगे अपने मोबाइल में। यहाँ पर देखिए जैसे ये जो डाटा केबल इसमें लगाते हैं चार्ज करने के लिए मोबाइल में, उसी जगह पर हम इसको लगाएंगे। तो मैं यहाँ पर बेसिकली ऐसे लगा देता हूँ, ठीक है। ये देखिए मैंने लगा दिया। अब लगाने के बाद यहाँ पर कुछ मैसेज वगैरह आया होगा, देखिए कॉन्फ़िगर फिजिकल कीबोर्ड, इस पर हम क्लिक करते हैं तो यहाँ पर कीबोर्ड माउस एंड ट्रैक पैड, ठीक है, यहाँ पर आ रहा है लॉजिटेक यूएसबी रिसीवर आ रहा है एंड यूज ऑन स्क्रीन कीबोर्ड ऑन करने के लिए बोल रहा है, मतलब उसको भी चाहे तो ऑन कर सकते हैं, लेकिन अगर हम इसको ऑन करेंगे तो फिर डिवाइस जो है छोटा खोप पड़ जाएगा, हम इसको ऑन नहीं करेंगे, कुछ नहीं करेंगे हम, चलिए छोड़ देते हैं। अब यहाँ पर ये जो कीबोर्ड है मैं इसको थोड़ा सा इधर लाता हूँ ताकि आप लोग को अच्छे से दिखा सकूं। और यहाँ पर देखिए मैं आपको ये देखिए, ये पहले मैं दिखाता हूँ माउस, ये देखिए माउस मैं यहाँ पर मूव कर रहा हूँ, कहाँ गया माउस, ये देखिए बहुत तेजी से दिखा रहा है, ये देखिए। अब मैं माउस से बेसिकली कुछ भी खोल सकता हूँ, जैसे कि मान लीजिए अगर मुझे गूगल क्रोम खोलना है, देखिए कुछ सर्च करना है तो ये देखिए, मान लीजिए कि मुझे मोबाइल में YouTube वीडियो देखना है, लेकिन उस YouTube वीडियो को हम जो है अपने इस माउस से ही ओपन करेंगे। तो इसके लिए मैं माउस लाऊंगा यहाँ पर और इस पर क्लिक करूंगा YouTube ऐप पर, ये देखिए YouTube ओपन हो चुका है और हम इस वीडियो पर क्लिक करेंगे तो ये वीडियो खोलना चालू दें। और मान लीजिए कि हमें कीबोर्ड से कुछ टाइपिंग वगैरह करना है, हम WhatsApp पर भी टाइपिंग कर सकते हैं, मान लीजिए WhatsApp पर क्लिक करते हैं, WhatsApp ओपन हो गया। और यहाँ पर मान लीजिए कि ये चैट पर हमें कुछ करना है, कुछ लिखना रखना है, तो यहाँ पर आएंगे, कर्जर पहले से दिख रहा है, उसके बाद हम आएंगे यहाँ पर और कीबोर्ड से कुछ भी टाइप करेंगे, जैसे कि हाय हमने लिखा तो यहाँ पर देख सकते हैं कि हाय आ गया। अब उसके बाद से हम चाहें तो इसको यहाँ से भी डायरेक्ट माउस से हम कर सकते हैं, ये देखिए मैसेज। इसके अलावा हम मान लीजिए कि कुछ टाइपिंग करना है हिंदी वगैरह या फिर कुछ भी टाइपिंग करना है, तो यहाँ पर मान लीजिए कि हम मुझे मान लीजिए कि कुछ टाइपिंग करना था, यहाँ पर ये नोट्स ऐप है, इस पर हम जाएंगे एंड ये माउस हम इसको ओपन कर लेंगे एंड उसके बाद से यहाँ पर न्यू पर क्लिक करेंगे, ये देखिए यहाँ पर आ जा रहा है, कर्जर ब्लिंक कर रहा है। अब यहाँ पर हम कुछ भी यहाँ पर चाहें तो टाइप कर सकते हैं अपने कीबोर्ड से, इसमें मैं यहाँ पर लिखता हूँ राम जी टेक्निकल, ओके राम जी टेक्निकल आ गया, ओके तो यहाँ पर देखिए टाइपिंग हो गया। अब इसी तरीके से आप बेसिकली कुछ भी टाइपिंग कर सकते हैं, ठीक है, तो यहाँ पर इस तरीके से मैंने टाइपिंग कर दिया। और मतलब आप चाहो तो कुछ भी प्ले स्टोर चला सकते हो, चाहो तो कुछ और चीज़ चला सकते हो, जो भी चाहो, तो क्योंकि एक बार कनेक्ट हो चुका है, जैसे कि मान लो कि मैं यहाँ पर रखता हूँ, ठीक है, यहाँ पर मोबाइल रख देता हूँ, व्हाट्सएप ओपन करता हूँ और यहाँ पर कुछ टाइप करना चाहता हूँ यहाँ से कीबोर्ड से, वॉट एवर जो भी चाहो, तो ये देखिए आपके हिंदी टाइपिंग करने के लिए आपके कीबोर्ड में कम से कम जो है हिंदी वाला होना चाहिए, सपोर्ट करने वाला, तभी आप हिंदी टाइपिंग कर सकते हैं, ठीक है। तो उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि मोबाइल में कीबोर्ड कैसे लगाएं और कैसे कीबोर्ड से टाइपिंग करते हैं।